बच्चों, इस वीडियो में हम त्रिआयामी थ्री डायमेंशनल वस्तुओं को देखने के दृष्टिकोण व्यूज के बारे में जानेंगे। अप्पू, शेरखान, गग्गू और गोलू एक खेल खेल रहे हैं। गोलू ने दूसरे कमरे में डिब्बों से एक आकार बनाया है। अप्पू, शेरखान और गग्गू बारी बारी उस आकार को देखेंगे और वापस आकर उसका एक चित्र बनाएंगे। फिर जिसकी तस्वीर गोलू के बनाए आकार से सबसे ज्यादा मिलती है वो जीत जाएगा। पहले अप्पू ने गोलू के बनाए आकार को जाकर देखा और अपना चित्र बनाया। फिर शेरखान ने भी जाकर गोलू के बनाए आकार को देखा और अपना चित्र बनाया। और अंत में गग्गू ने गोलू के बनाए आकार को जाकर देखा और अपना चित्र बनाया। जब तीनों ने उनके चित्र गोलू को दिखाए तो वे सभी चौंक गए। तीनों के चित्र बिल्कुल अलग थे। अप्पू का चित्र ऐसा था, गग्गू ने ऐसा चित्र बनाया था और शेरखान का चित्र इस तरह का नजर आ रहा था। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है? तीनों ने जब एक ही आकार को देखा तो उनके चित्र इतने अलग कैसे? आइए देखें गोलू ने डिब्बों से कौन सा आकार बनाया था। गोलू ने डिब्बों से इस तरह का आकार बनाया था। अब तीनों दोस्त झगड़ने लगे कि किसका चित्र गोलू के बनाए आकार से सबसे ज्यादा मेल खाता है। क्या आप इसका उत्तर बता सकते हैं? जी हाँ, दरअसल तीनों के चित्र बिल्कुल सही थे। अप्पू ने सबसे पहले गोलू के बनाए आकार को इस तरह सामने फ्रंट व्यू से देखा और ये चित्र बनाया। गग्गू ने आकार को साइड से साइड व्यू देखा और इस तरह का चित्र बनाया। और अंत में शेरखान ने आकार को ऊपर टॉप व्यू से देखा और इस तरह का चित्र बनाया। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन से चित्र को देखकर आप गोलू के बनाए आकार की लंबाई, लेंथ और ऊंचाई, हाइट का पता लगा सकते हैं? बिल्कुल ठीक, इस चित्र से। और किस चित्र से लंबाई, लेंथ और चौड़ाई, ब्रेथ का पता लगा सकते हैं? बिल्कुल सही, इस चित्र से। बच्चों, इस तरह से हम किसी भी त्रिआयामी थ्री डायमेंशनल आकार के तीन द्विआयामी टू डायमेंशनल दृष्टिकोण व्यूज बना सकते हैं। ऊपर से टॉप व्यू, सामने से फ्रंट व्यू, एक तरफ से साइड व्यू। अब डिब्बों से आकार बनाने की बारी शेरखान की थी। शेरखान ने इस तरह का एक आकार बनाया। क्या आप शेरखान के बनाए आकार के तीनों दृष्टिकोणों व्यूज के चित्र बना सकते हैं? आप चाहे तो वीडियो को रोककर इसका उत्तर ढूंढ सकते हैं। शाबाश बच्चों, आपने इसके बिल्कुल सही चित्र बनाए हैं। सभी दोस्त मिलकर खेल खेलते रहे। बच्चों, आप भी इस तरह का खेल अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हैं। बच्चों, इस पाठ में हमने त्रिआयामी थ्री डायमेंशनल वस्तुओं को देखने के दृष्टिकोण व्यूज के बारे में जाना।